बोलो, मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं? अम्मी को बताया, मगर क्या? उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, यकीन नहीं किया। नतीजा देख लिया ना तूने? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया, इतनी तकलीफ दूंगी कि याद रखेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप भी? वालेकुम सलाम सारा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ सारा, लेकिन तुम्हारी आवाज से तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? और अम्मी अब्बू कैसे हैं? अम्मी अब्बू तो ठीक है, मगर मगर मैं ठीक नहीं हूँ। आप भी? अल्लाह खैर, क्या हुआ है तुम्हें? अभी आपके आसपास में कोई है तो नहीं? मुझे आपको कुछ बताना है। नहीं, कोई नहीं है, कमरे में अकेली हूँ मैं। बोलो। अभी मैं जब से आपके घर से आई हूँ ना, मेरे साथ ना बहुत अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। और आपको पता है ये सब कौन कर रहा है? कौन? मुमानी। आप ही मुझे ऐसी नजर आती है ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। वो काला जादू करती है, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। वो मेरी दुश्मन बन गई है। आप ही काले जादू के असरात से वो मुझे मारना चाहती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जारा? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, वो ऐसी नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे नहीं, आप पे आपको हो रही है। वो जब हमारे घर आई थी तो उन्होंने कमरे में सबको बाहर निकाल दिया और मुझे अकेली को धमकियां दे रही थी। वो कह रही थी अगर मैंने किसी के सामने मुंह खोला, किसी को ये बात बताई, तो वो मुझे जान से मार देगी आप पे। और आपको पता है, रात को मैं जादू के असरात की वजह से दीवार पे चढ़ गई थी। ऐन वक्त में अब्बू ने आके मेरी जान बचाई, वरना अभी आपको मेरी मौत की खबर सुनने को मिलती, मैं मर जाती। आप ही वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखें। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रही हो। मैंने कितनी दफा कहा है मुमानी काला जादू नहीं करती जारा। मैं कितने महीनों से इस घर में रह रही हूँ, कैसे हो सकता है कि वो काला जादू करती है और मुझे पता ना लगे? तुम क्या बातें कर रही हो जारा से? क्या कह रही हो कि अम्मी काला जादू करती है? मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी राशिद, मैं तो उल्टा जारा को समझाने की कोशिश कर रही थी। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम उसको कह रही थी कि अम्मी काला जादू करती हैं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? मैं कोई इल्जाम नहीं लगाया है, मैं उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या गलत फहमी हुई है उसको बताओ, मैं दूर करता हूँ उसकी गलत फहमी। मैंने तुम्हें कह दिया है ना राशिद, मैंने समझा दिया जारा को। उससे समझ में आए या ना आए, तुम कान खोल के सुन लो एक बात और समझ लो। अम्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं सुनूंगा मैं, समझी? तुम काला जादू की बातें करती हो, पागल हो गई हो तुम।
क्या हो गया है राशिद, क्यों लड़ाई कर रहे थे? मेरा तो खून खौल रहा है, आप सुनेंगी ना उसको कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी। ऐसा क्या कह दिया है उसने? अरे मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मेरी बीवी और उसके घर वाले मेरी माँ के मुतालिक क्या सोचते हैं? अरे बोलो तो, वो और उसके घर वाले क्या सोचते हैं मेरे बारे में? कह रही थी कि मुमानी काला जादू करती है। तौबा, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये सब सुनने के बाद मेरा खून नहीं खौलेगा तो क्या होगा? सुना के आया उसको, अगर आइंदा के बाद उसने ऐसी कोई बात की ना तो कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा उसको मैं। अरे आप खामोश क्यों है, बोल क्यों नहीं रही कुछ? जाके बात करें उससे, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? तुम्हें पूरा यकीन है निम्रा ने मेरे बारे में ये बात की है? दारा से फोन पे बात कर रही थी, अब दोनों में से किसने बोला है पता नहीं। सारा का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। रात तुमने जो भी देखा है किसी को मत बताना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी बहन का घर उजड़ जाए। थोड़े कहे को ज्यादा समझना, अगर तुम वाकई अपनी बहन से मोहब्बत करती हो तो अपना मुंह बंद रखना, वरना ये तो तुम जान ही गई हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। समझ रही हो ना मेरी बात?